मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के साथ जो अपना प्लांट शेयर कर रहा हूँ, ये हिना प्लांट है। इसे मेहंदी का प्लांट भी कहते हैं, जो मेहंदी हाथों पर लगाई जाती है, सर पर लगाई जाती है। ये वो जो मेहंदी होती है बिल्कुल इसी के लीव्स से बनती है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसके जो लीव्स है वो कुछ बीमारियों में भी काम आते हैं। मेडिसिनल के तौर पर इसके लीव्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने इस हिना प्लांट की केयर किस तरीके से कर रहा हूँ। तो ये एक झाड़ी नुमा पौधा है और इसे मैंने सीड से लगाया था। और आप देख सकते हैं अभी इस वक्त ये 8 इंच के पॉड में है और इसकी हाइट भी तकरीबन 1.5 फुट की इसकी हाइट है। और ये काफी बुशी अंदाज में मेरे पास अभी इस वक्त ग्रो कर रहा है। तो ये इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ ऐसे चल रही है कि इसे जो मैंने पॉट साइज दिया है वो जो है 8 इंच का पॉट साइज दिया है मैंने इसे। और इसके लिए जो सोइल मिक्सचर मैंने रेडी किया है वो 70% भालू मट्टी है और 30% काउडंग है। तो ये 30-70 के फार्मूले से जो सोइल मिक्सचर रेडी होता है मैंने वही रेडी किया है। काफ़ी आइडियल सोइल मिक्सचर होता है और तमाम नर्सरी वाले भी यही सोइल मिक्सचर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है तमाम किस्म के पौधों की। ये एक आइडियल जो है सोइल मिक्सचर होता है, तो मैं भी यही सोइल मिक्सचर यूज़ करता हूँ अपने तमाम पौधों के लिए। और रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है और इसके जो लीव्स है वो भी हेल्दी है। और दूसरा ये जो है आउटडोर प्लांट है, इसे धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे मैंने जिस जगह प्लेस किया हुआ है अभी यहाँ पर इसे तकरीबन 4-5 घंटे की धूप रोजाना की बुनियाद पर मिलती है। डेली बेसिस पर 4-5 घंटे की धूप इस पौधे पर मेहंदी के प्लांट पर आती है। तो ये भी एक वजह है कि इसकी ग्रोथ में जो है तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है क्योंकि इसको जितनी जो है धूप की ज़रूरत है वो इसे मिलती चली जा रही है। और ये मॉइस्चर पसंद करता है, ये जो मेहंदी का प्लांट है इसको मॉइस्चर पसंद होता है। अगर इसके प्लांट से बार बार मॉइस्चर उड़ता रहे और मुसलसल मॉइस्चर बना ना रहे तो फिर इसके जो लीव्स है वो थोड़े से मुरझाने लग जाते हैं, इसकी जो टहनियाँ वो सूखने लग जाती है। तो इसीलिए इस पर जो है मैं मॉइस्चर बनाए रखता हूँ और इसके लिए मैं इसे डेली वाटरिंग करता हूँ। मैं अपने इस हिना प्लांट को डेली वाटरिंग कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे मेरे इस हिना प्लांट को 4-5 घंटे की धूप मिल रही है और सोइल मिक्सचर इसका आइडियल है। और इसका ड्रेन होल मैंने नीचे से बहुत अच्छा बनाया है, मतलब अगर इससे कभी ज़्यादा वाटरिंग हो भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं रहती क्योंकि ड्रेन होल अच्छा है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो नीचे से निकल जाता है और बाकी काम जो है वो धूप जो है वो कर देती है। क्योंकि ये छत पर है और छत पर हवा भी बहुत तेज़ी से चलती है, छतों पर हवा वैसे भी तेज़ होती है, तो इसकी वजह से इसकी जो सोइल मिक्सचर है वो सूख जल्दी से एक दिन में सूख जाती है। तो ये मेरा हिना प्लांट है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसके लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।